निकल के आए और बहुजन समाज पार्टी को बाबा साहब की विचारधारा को आज चार चार बार मारिया बहन जब मुख्यमंत्री बने तो लागू किया सर। इस तरह से यहाँ भी करना पड़ेगा। और बहुजन कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी स्थापना ये हमारे महापुरुषों ने कहा है कि इनसे बच के रहना है। नागनाथ के मतलब होता है कांग्रेस स्थापनाथ है, कांग्रेस के मतलब होता है हरी घास का सांप है जो जा पाएगा आपको का पता नहीं। नागनाथ के मतलब और बीजेपी नागनाथ है माने की साफन फैला कांग्रेस के मतलब दूर से दिखाई पड़ेगा कि नाग आ रहा है। तो यहाँ ब्रजस्थान के लोग तो बल्लम बल्लम लेके तैयार रहते हैं कि आएगा नाग तो निपट लेंगे, बल्लम भाली हमारे पास है। लेकिन सांप ना थोड़ा खतरनाक होता है, कहीं रेत के अंदर से घुस के आएगा, कहीं हरी हरी घास में आएगा, आप जहां बैठेंगे आपको डस लेगा। इसलिए इनसे बच के रहना चाहते हो, इनसे बच के रहना है और एक कसम खा लेना है कि आप हम जो हमारी जो भी हमारी मेहनत है हम अपनी मेहनत को अपनी ताकत को 2023 में दिखाएंगे इन लोगों को। राजस्थान में नीला क्रांति लेकर के आएंगे और नीले क्रांति में बहुजन समाज पार्टी को इतनी ताकत देंगे कि हम इधर सत्ता पे काबिज हो करके रहेंगे। यही मेरा आप सभी लोगों से आज बाबा साहब के पुण्यतिथि पर आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग बाबा साहब के फॉलोअर हैं, यहाँ पे सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब पे जान देने वाले हम सब लोग हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब पे जान न देता हो, ऐसा कोई व्यक्ति है बताइए मुझे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब को मानता ना हो, बाबा साहब के लिए जान न दे दे साथियों। और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है कि जो बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी अपनी खुद की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी ना मानता हो। तो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, पूरी ताकत के साथ में काम करना पड़ेगा, गांव गांव धाड़ी धाड़ी जाना पड़ेगा, अपनी टीम खड़ी करनी पड़ेगी। अभी हमारे गायक मंडली के लोगों ने कहा, मेहरा जी ने कहा, झंडा और डंडा, 5 फुट का डंडा और उस पे लगा नीला झंडा, ऐसे डंडों और झंडों को कम से कम हर बूथ पर 10-10 झंडे और डंडे खड़े हों लेकर के मेरे सिपाही। तो मैं दावे के साथ में कहता हूं 2023 में बहुजन समाज पार्टी की बाहर आई साथियों। इसी साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं चाहता हूं या आप सभी लोग इस बात को मत भूलना कि कांग्रेस ने इधर दो दो बार हमें ठगा है, दो दो बार हमको ठगा है। 2008 में हमारे 6 विधायक आए उनको तोड़ने काम किया, 18 में आए फिर तोड़ने काम किया, 18 में इनकी सरकार नहीं बनने वाली थी, न यहां बनने वाली थी, न मध्य प्रदेश में बनने वाली थी। मान्या बहन जी ने कहा समंतवादी ताकतों को रोकने के लिए हमें कांग्रेस को बाहर समर्थन करना पड़ेगा। हमने कांग्रेस को बाहर समर्थन किया, हमने कोई डिमांड नहीं करी, हमने कुछ नहीं कहा कि हमें मंत्री चाहिए कुछ चाहिए। हमने एक डिमांड करी कि 2 अप्रैल 2018 में जो मेरे बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो SC ST के युवा साथी हैं, जिन पर मध्य प्रदेश के विधायक तोड़ने का काम किया साथियों, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के लोग बाबा साहब के सिपाही हैं, मानवर साहब के सिपाही हैं, बहन जी के सिपाही हैं। इस घोड़ को अपमान को हम सूद समेत 2023 में बदला लेने का काम करेंगे साथियों। इस बार कांग्रेस को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कहीं से सत्ता में आ जाए साथियों। इन्हीं सब बातों के साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप लोग महापुरुषों के सम्मान में एक बार इतनी तेजी से उनके सम्मान में आवाज आनी चाहिए, बाबा साहब के पुण्यतिथि पे आवाज आनी चाहिए कि आज इधर मुख्यमंत्री कुल से भी हिलनी चाहिए। बहुत कुमारी मायावती जिंदाबाद। जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद साहब। सांसद साहब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिन पर हमें अपने विचारों से संबोधित किया, बताया कि तुम चाहते तो हालात बदल सकते थे,
मेरे आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, वरना दरिया बन के बहुत आगे निकल सकते थे। माननीय मंजीत मेहरा जी आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक दोहा मैं भी लगा दूं जरा। ऐसा लगता है कि मकरूर आंख या दरखतों को पकड़ जाएंगी, बचेंगी नहीं साख जो लचक जाएंगी, लेकिन 2024 के राजस्थान के चुनाव में ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी कुर्सियां नीचे से खिसक जाएंगी। धन्यवाद मेहरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तृत तरीके से आपने आज हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अब साथियों, मैं इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हुए निवेदन करना चाहूंगा, आज की इस बैठक के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भाई आकाश जी आनंद जी, वो आए और अपने ख्याल अमर लोगों के बीच में रखे। बोलो इन समाज पार्टी कॉर्डलेस क्यों अच्छा नहीं लगता कि हम मंच पे खड़े हो जाएं? चलिए, अब इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं अपने मीडिया बंधुओं से चाहूंगा कि थोड़ा सा वो भी बैठ जाएं, पीछे सब हैं, सब देखना चाहेंगे, तो आप थोड़ा सा पीछे से बैठ के आराम से अपना बना ले वीडियो। रख दीजिए और बैठ लीजिए। आ जाइए, चल प्लीज बैठ जाइए। राइट, रख लिया। जय भीम। साथियों, आज 6 दिसंबर है। पूरे देश और खासकर हमारे समाज के लिए आज का दिन बेहद ही भावुक कर देने वाला दिन है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। देश के सभी गरीबों, शोषितों, वंचितों की जिंदगी में नई उम्मीद, संभावनाएं और स्वाभिमान के लिए संघर्ष की मशाल जलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हम सब कर्जदार हैं। हमारे समाज के मसीहा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इससे पहले कि मैं आज की बात को शुरू करूं, मैं अपने देश में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं, जिसमें खासकर हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले, नारायणा गुरु, छत्रपति शाहू जी महाराज और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाली और सब समाज को साथ लेकर शासन, प्रशासन व अनुशासन का उदाहरण देश को दिखाने वाली उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हैं हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का
मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज जयपुर में यहां राजस्थान के कार्यकर्ता सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री आनंद कुमार जी, बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद माननीय श्री रामजी गौतम जी, राजस्थान प्रदेश प्रभारी श्री सुरेश आर्य जी, श्री सीतारमन मेघवाल जी, श्री हरीश सिंह जी, श्री अमर सिंह जी और मंच पर उपस्थित सारे कार्यकर्तागण, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री भगवान सिंह बाबा और साथ ही कमेटी के सभी सदस्यगण, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी और बूथ के कार्यकर्तागण, हमारे बीबीएफ के जवान सिपाहियों और दूर दराज से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के 100 करोड़ लोगों का उनके समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ने का हथियार दिया है। इसके लिए उन्होंने जीवन भर कड़ा तप किया, संघर्ष किया और अपने सपनों को एक मिशन में बदल दिया। बाबा साहब का ये सफर आसान नहीं रहा। बचपन से ही हर कदम पर उन्होंने भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया और उच्च शिक्षा हासिल की। उस जमाने में वो विदेश से शिक्षा हासिल कर बाबा साहब चाहते तो एक आराम की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन में बदल दिया और मिशन था एक समतामूलक समाज की स्थापना करना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस समाज में अशिक्षित, छुआछूत को हटाने के लिए वह बराबर की हिस्सेदारी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और लोग आज भेदभाव और छुआछूत से आजाद हैं। साथियों, समतामूलक शासन और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से मानवतावादी संविधान देकर बाबा साहब आज ही के दिन हम सबको छोड़कर चले गए। हमें आज निश्चय करना होगा कि हम बाबा साहब के दिखाए मिशन को पूरा करेंगे। हमें आज निश्चय करना होगा कि हम एक समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। हमें आज निश्चय करना होगा कि हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर बाबा साहब के सपने के भारत को बनाएंगे। हम वादा करते हैं कि बाबा साहब के दिखाए रास्तों को कभी छोड़ेंगे नहीं। हम वादा करते हैं कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान के कारवां को कभी रुकने नहीं देंगे। हम वादा करते हैं कि चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, हम बाबा साहब के सपनों का समतामूलक देश बना के उनके सपनों को और उसका शासक बन के मिशन को हर हाल में पूरा करेंगे। साथियों, बाबा साहब ने संविधान सभा की अपनी कंक्लूडिंग स्पीच में नए बन रहे राष्ट्र की चुनौती की ओर संकेत किया था और उन चुनौतियों से निपटने के तरीके भी बताए थे। बाबा साहब का मानना था कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की है। संविधान सभा के अपने इस आखिरी भाषण में बाबा साहब ने आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय एजेंडा तय किया। बाबा साहब की वजह से ही संविधान के मूल अधिकारों में इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों की समानता का प्रावधान रखा गया, जिसके तहत देश के सभी शोषितों, वंचितों और गरीबों के लिए आरक्षण के विशेष अधिकार का प्रावधान संभव हो पाया। सभी को बराबरी का मौका मिल पाए, यही बाबा साहब के समतामूलक समाज का मूल आधार था। साथियों, बाबा साहब के इस सपनों को मिशन बनाया
माननीय साहब श्री काशीराम जी ने, और इसे हकीकत कर दिखाया हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। इसमें कोई शक नहीं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाले बहुजन समाज पार्टी के चार बार के शासनकाल में समाज के हर वर्ग को साथ लेकर एक बेहतर भविष्य की नींव रखी गई। हम सब भलीभांति जानते हैं कि संविधान में मिले अधिकारों के बावजूद हमारे साथ क्या व्यवहार किया जाता है। इसलिए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि शोषितों, वंचितों और गरीबों के ये हक की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी आपकी अपनी बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत करना होगा और केंद्र व राज्यों की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। ताली बजा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ही वो एक लौती पार्टी है जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। हम किसी का हक मारते नहीं और किसी को किसी का हक मारने देते नहीं। इसीलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि हमें सब समाज में से अपर कास्ट को साथ लेकर बहुजनों की सरकार बनानी है और ये काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हमारे मिशन में 50% भागीदारी हमारे युवा वर्ग की नहीं होगी। मैं अपने युवा साथियों से खास विनती करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के मिशन से जुड़े। हम सब यहां अपने महापुरुषों के शुरू किए हुए मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ही आए हैं। हमें फूफाबाजी नहीं करनी बल्कि अपने समाज के सबसे कमजोर साथियों को भी उनका मान सम्मान और अधिकार दिलाना है। इसीलिए मैं अपने युवा साथियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक और कही बात याद दिलाना चाहूंगा। बाबा साहब ने कहा था कि अगर ताकतवर बनना है तो पहले खुद को शिक्षित बनाओ, फिर खुद को संगठित बनाओ और तब संघर्षशील बनो, तभी आप सही तरीके से मिशन को साथ लेके आगे बढ़ पाएंगे। मैं फिर से आप लोगों को ये साफ कर देना चाहूंगा कि ये लड़ाई हमारे मान की है, ये लड़ाई हमारे सम्मान की है, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है। 2007 से 2012 तक के बेमिसाल शासनकाल में बहन जी ने यह दिखा दिया है कि अगर सत्ता आपके हाथों में है, अगर आपके इरादे नेक हैं और अगर आप में इच्छा शक्ति है तो व्यवस्था और समाज दोनों आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चार बार के शासनकाल में बहन जी के प्रशासन और बहन जी के लाए हुए प्रशासनिक अनुशासन ने दुनिया को बता दिया कि असल मायने में सुशासन होता कैसे है। एक शासन जिसमें सभी को न्याय मिला, सम्मान मिला और सभी को समान अधिकार मिला। अपने इस मिशन को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कैसे हासिल किया? उन्होंने नौजवानों को नौकरी दी, हमारी महिलाओं को शिक्षा दी, व्यापारियों को सुरक्षा दी। अपने शासनकाल में 1,00,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया गया, पुलिस बल को मजबूत किया गया, 2,00,000 से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया, 90,000 शिक्षकों को नौकरी दी गई,
और आपको जानकर हैरानी होगी कि रोजगार के ये मौके तब मिले जब पूरी दुनिया में मंदी का दौर चल रहा था और लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था। एक तरफ जहां दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही थी, वहीं उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लोगों को लाइन में लगाकर रोजगार दे रही थी। अपने शासनकाल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किसानों की तरक्की के लिए भी हर संभव कार्य किए। गन्ना समर्थक मूल्य में जबरदस्त वृद्धि की गई, मिल्क प्रोडक्शन में यूपी को देश में नंबर वन बनाया गया। किसानों का पिछले शासनकाल में बकाया गन्ना मूल्य सहित 42,700 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। इससे यूपी के किसान की उस दौरान आय दुगनी हो गई। कृषि भूमि आवंटन योजना के तहत कई लाखों गरीबों व भूमिहीन परिवारों को भूमालिक बनाया गया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समाज के हर तबके के लिए काम किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासन हमेशा बहुजन समाज पार्टी के सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति पर ही चला। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। सर्व समाज सर्जन हिताय की नीति के तहत ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से 2012 तक के अपने कार्यकाल में जनरल कैटेगरी की सरकारी भर्ती पर लगी रोकों को भी हटाया। यही नहीं, उन्होंने सर्व समाज में से अपर कास्ट के युवा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आदि को सरकारी नौकरियां भी दी। साथ ही विभिन्न विभागों में पहले से खाली पड़े सरकारी पदों को विशेष अभियान चलाकर भरा गया और लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। सर्व समाज के तमाम छात्रों की डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट आदि के उच्च प्रोफेशन में पूरी भागीदारी करने के लिए लखनऊ में छत्रपति शाहू जी महाराज प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई। मैं बहन जी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है, क्योंकि आज मेरे जैसे न जाने कितने नौजवान उनके संघर्षों की वजह से अपने पैरों पर सम्मान के साथ खड़े हैं। हमें यकीन था कि हम पर होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ हमसे पहले खुद हमारी बहन जी हमारी ढाल बनकर खड़ी हैं। विरोधी पार्टियां डरती हैं बहन जी की सोच से। विरोधी पार्टियों को डर है बहन जी की ताकत से। विरोधी पार्टियों को डर है बहन जी के शासन से। वो सोचते हैं कि आखिर कैसे बहन जी के सत्ता में आते ही अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं। कैसे बहन जी का नाम सुनकर उत्तर प्रदेश के सो कॉल्ड माफिया, बाहुबली, गुंडे थर थर कांपने लगते थे। 1995 में जब बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो शासन में आते ही उन्होंने करीब 1,45,000 अपराधियों पर गुंडा एक्ट लगाकर उन्हें जेल भेज दिया। और यही वजह है कि जब भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार में आती हैं तो तब प्रदेश आप अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं। और यही वजह है कि बहन जी के राज में हर वर्ग के लोगों को सुख और शांति से रहने का मौका मिलता है।
फिर चाहे वो हमारी माताएं बहनें हों, बुजुर्ग हों या फिर हमारा व्यापारी वर्ग। सत्ता में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इन दोनों ने ही सरकार में रह के हमेशा हम पर अपराध और हमारे साथ भेदभाव किया है। राजस्थान में कांग्रेस का राज्य है और पूरे देश में राजस्थान ही वो राज्य है जहां हमारे समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा अपराध हमारे समाज के लोगों पर यहां राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन है और राजस्थान में कांग्रेस का। अब आप लोग बताइए कि इन दोनों में से आखिर किस पे भरोसा किया जाए। हमने अब सभी दलों की सरकारों को देख लिया, कोई भी हमारे को सम्मान नहीं दे सका। सबने हमें सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा है और इस्तेमाल किया है। और हमारे बड़े कह गए हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। इसलिए अपनी पार्टी की ताकत को समझिए, अपने वोट की ताकत को समझिए और बहुजन समाज पार्टी को हर स्तर पर मजबूत कीजिए। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। मान्यवर साहब कांशीराम जी अमर रहे। अब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भगवान सिंह बाबा जी अध्यक्षीय भाषण देकर के कार्यक्रम का समापन करेंगे। माननीय भगवान सिंह बाबा जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।